गुना नहीं करोगे तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। नरसिंह जी ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए, महाराज ऐसा अनर्थ मत करो, ऐसा अनर्थ मत करो, मैं अपने आज तो आप दिए, कल मैं किसी भी हालत में अपनी बेटी का गुना कर दूंगा। और नरसिंह जी ने उस ब्राह्मण के पैर पकड़ करके आज को रोका है। रात्रि हुई, आज नरसिंह बैठे हैं, पत्नी माणिक गौरी आ गई नरसिंह के पास, स्वामी अब क्या होगा, सुबह यदि गुना नहीं हुआ तो वो ब्राह्मण को चले जाएंगे, क्या होगा, नर्क हो जाएगा, नर्क हो जाएगा। माणिक गौरी की आंखों से आंसू की झरझर 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 धारा बह रही है, माणिक गौरी रो रही है, नरसिंह जी की आंखों से आज आंसू की धारा निकल आई है। आज नरसिंह रोते हैं, आज नरसिंह को भी अंदर से कहीं ना कहीं कह है कि यदि बेटी का गुना न हुआ तो क्या होगा, नर्क हो जाएगा। माणिक गौरी को समझाया है नरसिंह ने, देवी तुम चिंता मत करो, वो सावरिया सब करेंगे, तुम जाकर के सो जाओ। माणिक गौरी तो जाकर के सो गई है, नरसिंह को नींद नहीं आ रही, सावरिया के मंदिर में जाकर के बैठ गए हैं, हाथ में करताल ली है और करताल लेकर के सावरिया को पुकारते हैं, हो मेरा कोई ना